दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग कैसे है, इनका इस्तेमाल कब करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप हमारे वीडियोज के अपडेट सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीबी के बारे में। दोस्तों एमसीबी एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारे सर्किट को या फिर हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसके भी पहले उसे लगाया गया है उसे ओवरलोड और या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करता है। जैसे अगर किसी कंडीशन में हमारे कोई अप्लायंस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर कोई भी ओवर अधिक लोड हो जाता है किसी सर्किट के पार्ट में, तो उस सेक्शन को वो डिस्कनेक्ट कर देता है। जो भी हमारा सेटिंग हो, जैसे 5 किलोवाट पे या कुछ जितने एम्पियर पे हमने सेट कर रखा है उससे अधिक करंट होने पे वो उस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा ताकि उसके आगे कोई भी फॉल्ट ना हो। उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट काफ़ी बढ़ जाता है और इस समय आग लगने की काफ़ी संभावना रहती है। तो ऐसे में हमारा एमसीबी सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है और उसे जलने से या फिर वहाँ आग लगने से बचा लेता है। दूसरा है एमसीसीबी, जिसका मतलब है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों एमसीबी और एमसीसीबी दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, सिर्फ दोनों में रेटिंग का अंतर है। दोनों ही एमसीबी और एमसीसीबी दोनों ही शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एमसीबी कम लोड पे ऑपरेट करता है, 100 एम्पियर तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि एमसीसीबी का इस्तेमाल 100 से 1000 एम्पियर तक के लोड पे किया जाता है। दोस्तों तीसरा है ईएलसीबी, जिसका मतलब है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि ये लीकेज करंट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर कोई भी अप्लायंस है उसका अगर इंसुलेशन फेलियर हो जाता है या फिर उसका मेटेलिक पार्ट में जो उसका मेटेलिक बॉडी है उसमें किसी भी वजह से करंट आ जाता है, उसका फ्यूज वायर कहीं टच हो जाता है, तो ऐसे केस में अगर कोई उसे टच करेगा तो उसे शॉक लग सकती है। तो ऐसे केस में ईएलसीबी हमें शॉक से बचाता है। दोस्तों आप इस देखते हैं इसका कैसे काम करता है। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक लोड में फेज और न्यूट्रल का सप्लाई दिया हुआ है, तो फेज के थ्रू करंट उसमें इन होती है और न्यूट्रल के थ्रू करंट वापस हो रही है। दोस्तों इसमें क्या होता है, एक ईएलसीबी का एक रिले पार्ट होता है जो जिसका एक टर्मिनल मेटेलिक पार्ट से कनेक्ट होता है और दूसरा अर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। दोस्तों अब जब भी कोई फेज मेटेलिक पार्ट से कनेक्ट होता है या फिर इंसुलेशन फेलियर होके उसका सप्लाई अर्थ के थ्रू पास होने की कोशिश करता है, तो वैसे केस में रिले ऑपरेट हो जाता है और वे अब उस अप्लायंस का पावर कट कर देता है, उसके सप्लाई को बंद कर देता है। तो ऐसे में जब भी कोई फॉल्ट होता है या इंसुलेशन फेलियर होता है तो वैसे में उसका पावर सप्लाई कट कर देता है और वो सेफ्टी क्यों इंश्योर करता है, कोई अगर टच करता भी है तो उसे करंट नहीं लगेगी। तो ऐसे ईएलसीबी काम करता है और ये हमें इसका हम सिर्फ इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि शॉक से हमें प्रोटेक्शन मिले। इसका इस्तेमाल हम ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए नहीं कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल लीकेज करंट के अगेंस्ट में करते हैं। अगर कोई भी उसके बॉडी में फॉल्ट होता है जिससे किसी को शॉक लग सकता है तो उसे ये प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों सबसे लास्ट में है आरसीसीबी, जिसका मतलब है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इसका भी इस्तेमाल सेम वही है जो ईएलसीबी का है, इसका ये भी हमें शॉक प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जो इस्तेमाल ईएलसीबी का है वही है, बट सिर्फ अंतर ये है कि ये ईएलसीबी से अधिक ज़्यादा सेंसिटिव है और ये काफ़ी अच्छे से ऑपरेट करता है। ईएलसीबी पुराना बहुत पहले यूज होता था, अब ईएलसीबी का इस्तेमाल नहीं होता है, आजकल ईएलसीबी की जगह पर आरसीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर एक सर्किट देख रहे हैं जिसमें लोड में फेज और न्यूट्रल के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है। दोस्तों इसमें एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीटी, आप इसे करंट मीटर करने का इक्विपमेंट समझ सकते हैं। दोस्तों ये क्या करता है कि फेज और न्यूट्रल दोनों के करंट को हमेशा कंपेयर करते रहता है एक तरह से। एक्चुअली काम तो वो दोनों के एमएफ से करता है, बट आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि दोनों के करंट को वो कंपेयर करते रहता है। अगर दोनों में के करंट में डिफरेंस होगा तो वो ये समझता है कि उसके आगे वाले पार्ट में कुछ फॉल्ट है। अगर कोई फॉल्ट नहीं हुआ तो जितना करंट इन हो रहा उतना ही करंट वापस आना चाहिए। अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा या आगे में कुछ भी लीकेज होता है तो करंट कम हो जाएगा रिटर्निंग पाथ में। तो ऐसे केस में आरसीसीबी ये समझता है कि कोई भी फॉल्ट हो गया है आगे पार्ट में तो वो सर्किट को डिसकनेक्ट कर देता है। तो इसमें ये इसका वर्किंग काफ़ी सिंपल है, ये न्यूट्रल और फेज के करंट को हमेशा कंपेयर करता है और जैसे ही कोई फॉल्ट होता है तो उस केस में दोनों करंट बराबर नहीं होगा और वो क्या एमसीबी को ऑपरेट कर देता है। तो ऐसे में पावर सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाता है और
अगर कोई टच कर रहा हो या फिर कुछ भी फॉल्ट हुआ हो तो उससे वो कोई भी खतरा होने से बच जाता है। दोस्तों ये था एक वर्किंग डिटेल MCB, MCCB, ELCB और RCCB के बारे में। दोस्तों MCB और MCCB का इस्तेमाल ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, और ELCB और RCCB का इस्तेमाल शॉक से बचने के लिए करते हैं। तो ELCB का इस्तेमाल तो आजकल बंद हो चुका है क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया, उसके बदले हम लोग RCCB का इस्तेमाल करते हैं। RCCB और ELCB दोनों का इस्तेमाल शॉक से ही प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। दूसरा MCB और MCCB दोनों का इस्तेमाल ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि MCB का इस्तेमाल छोटे लोड पर किया जाता है और MCCB का इस्तेमाल बड़े लोड पर किया जाता है, उसका रेटिंग अधिक होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि MCB, MCCB, ELCB और RCCB में क्या अंतर है और इसका इस्तेमाल कब करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नए नए वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, बंदे मातरम।